कहे परिवारवाद कांग्रेस का परिवारवाद परिवारवाद में कोई नहीं मैटा मेरे तो गर्व है अपने परिवार का मेरे दादा स्वतंत्रता तो तो सेनानी थे अब अब ये तो जो हमारा परिवारवाद हो गया फिर आप अपनी पार्टी में देखो को। मेरे कोई ईर्षा नहीं है कोई ईर्षा नहीं है मेरे पार्टी के बच्चे हैं कोई मिनिस्टर है कोई बेटा मैं खुश हूँ मैं नशीबाद या उसको तुम्हारे कोई ईर्षा उसकी कोई कहेगा बाप बेटा बापू बता अरे तुम आप तो देख लो दोस्तों नमस्कार मैं संजय मगू और मौजूद हैं देश रोज़ाना के डिजिटल मीडिया मंच पर राजनीति हो समाज नीति या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन कोई भी पेशा आप किसी भी पेशे में काम करते हैं हर लाइन के अंदर ऐसा होता है कि जब गढ़े मुर्दे उखाड़े जाएं हर बात के अंदर ऐसा होता है गढ़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है कि आपकी पुरानी बातें करना आपकी राजनीतिक आपकी सामाजिक आपकी आर्थिक तमाम हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताना लेकिन राजनीति के अंदर ऐसा होता है कुछ छुपाया जाता है कुछ बताया जाता है मैं आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि विधानसभा का जो शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है जिसका तीसरा दिन कल होगा यानी कि सोमवार को विधानसभा के अधिवेशन में विधानसभा के सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरियाणा विपक्ष के नेता रहे हैं विधानसभा के अंदर उनका दर्द छलका उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान बापू बेटा बापू बेटा कह करके हमारी बात कही गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताना चाह रहे थे कि मेरे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेरे बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में सब कुछ क्या कहा गया और क्या कुछ नहीं कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे विधानसभा के अंदर कि मुझे और मेरे परिवार को लेकर के कितने प्रकार के तंज कसे गए कितनी प्रकार की हमारे बारे में बातें बनाई गई लेकिन इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि जो कह रहे हैं कम से कम पहले हमारे पारिवारिक इतिहास को तो देखें पहले आप वो सुने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा फिर मैं आपको बताऊंगा और कोई बात नहीं परिवारवाद 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 परिवार में कोई नहीं मैं मेरे तो गर्व है परिवार का मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का मेरे दादा को काला पानी हुआ था गांधी जी को लेके आए मेरे पिताजी आठ आज जेल में गए चार आज पाकिस्तान में है चार आज हिंदुस्तान में है और जो जिस संविधान के अंतर्गत कमयाब बैठे हैं दो सौ तिरासी आज में दर्श करते उनमें से एक उनके थे वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सात विभिन्न शब्दों के सदस्य रहे और कोई भी राह कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीट्यूश लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट लोकसभा पंजाब असेंबली हरियाणा असेंबली राज्यसभा सात विभिन्न शब्दों के सदस्य रहे मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया धरती से जुड़ा हुआ हूं एमएलए भी सांसद भी रहा सेवा करी चीफ मिनिस्टर से गया अब तीन बार विपक्ष देता भी रहा अब अब ये तो ये हमारा तो परिवारवाद हो गया लेकिन आप अपनी पार्टी में देखो मेरे कोई ईर्षा नहीं है कोई ईर्षा नहीं है मेरे साथी के बच्चे है कोई मिनिस्टर है कोई कुछ है मैं खुश हूं मैंने आशीर्वाद दिया उनको तुम्हारे कोई ईर्षा होती है कोई कहेगा रहा बाप बेटा बाबू अरे तुम तो चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चाहे अमित शाह रहे हो चाहे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव रहे हो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे हों चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हों तमाम नेता जब राजनीतिक मंचों पर आते थे जब राजनीतिक सभाओं में होते थे तो उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार पर कई प्रकार के परिवारवाद के तीर चलाते थे उन्हें बापू बेटा की जोड़ी के नाम से कहा करते थे कि बापू बेटा तो सपने में भी बापू बेटा तो ये बापू बेटा तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात जो नेता कहते थे उससे इतर जाएं तो फिर कांग्रेस के अंदर भी नेताओं की कमी नहीं थी जो उन पर इस प्रकार के तंज कसते थे उन पर इस प्रकार की बातें किया करते थे कुछ समय पूर्व भी कांग्रेस छोड़ करके के गई थी किरण चौधरी आजकल तो राज्यसभा की सदस्य हैं कांग्रेस में छोड़ करके और भाजपा में जा के बेटी प्रदेश सरकार में वजीर हैं हरियाणा सरकार के मंत्री किरण चौधरी ने कई बार कहा उनके लिए बापू बेटा की जोड़ी इसके साथ साथ शमशेर गोगी को लें या और तमाम नेता आप देख सकते हैं जो उन पर तंज कसते थे बापू बेटा बापू बेटा करके आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सुनी और अब मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो परिवार है अगर मैं उनकी बात करूं कि देश की आज़ादी में जंगे आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान तो फिर आप ये समझ लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा स्वर्गीय चौधरी मातूराम उनका हरियाणा की राजनीति के अंदर और देश की आजादी के अंदर एक जो बड़ा नाम है उनके नाम को हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा चौधरी मातूराम काले पानी की सजा में भी रहे जो सजा विनायक दामोदर सावरकर साहब को हुई थी वीर सावरकर को जो सजा मिली थी जो उस काले पानी की सजा चौधरी मातूराम को भी मिली यानी कि उस समय की अंग्रेजी सल्तनत की जो सबसे कठोर सजा हुआ करती थी उस सजा को पाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी मातूराम भी थे अगर उसके बाद चलें तो फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह आर्य समाजी नेता हरियाणा की राजनीति के अंदर भी और संयुक्त पंजाब की राजनीति में भी और जंगे आज़ादी की लड़ाई में भी चौधरी रणबीर सिंह का भी एक अद्भुत योगदान रहा अलग अलग कई जेलों के अंदर उनको जो आज़ादी जंगे आज़ादी की लड़ाई थी स्वतंत्रता की लड़ाई थी कई जेलों में उनको रहना पड़ा अगर उनका देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें ये योगदान था तो फिर जो भारत का संविधान बना जिसकी चर्चा आज पक्ष विपक्ष सभी करते हैं संविधान निर्मात्री सभा जिसके बारे में सभी बात किया करते करते हैं जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो उस दो सदस्य सदस्यीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह भी थे चौधरी रणबीर सिंह के भी हस्ताक्षर उस संविधान की पुस्तक पर संविधान पर हैं ये योगदान था उनका आज़ादी के बाद और देश के लिए बने संविधान को लेकर के लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर अगर उसके बाद राजनीतिक बात करें तो चौधरी रणबीर सिंह ऐसे नेता रहे पूरे हरियाणा के जो हरियाणा की विधानसभा के सदस्य रहे पंजाब की विधानसभा के सदस्य रहे पंजाब विधान परिषद के सदस्य रहे राज्यसभा के सदस्य रहे लोकसभा के सदस्य रहे तमाम सदनों के वो मेंबर रहे यानी कि कितने सारी आपने देखा कि जो असेंबलीज़ थी पार्लियामेंट्री का असेंबली हुई राज्यसभा हुई यानी कि लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाएं विधान, विधान परिषद सबके वो सदस्य रहे उसके बाद अगर देखें तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है आप उसको यूं मान लें कि संघर्ष की और जो लड़ाई की राह होती है राजनीतिक लड़ाई की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीनी पायदान से लेकर के और शिखर तक को छुआ अगर चुनावी इतिहास को उनको देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ब्लॉक समिति के मेंबर से लेकर के और लोकसभा के मेंबर तक रहे यानी कि गांव पंचायत ब्लॉक समिति जो गांव की पंचायत समिति हुआ करती हैं उसके सदस्य और उसके चेयरमैन और उससे चल करके और लोकसभा के सदस्य सांसद विधायक कई बार विधायक आजकल भी विधायक हैं चार बार सांसद रहे चौधरी देवीलाल लाल सरीफ़ की शख्सियत को तीन बार चुनाव में हराया इन सब बातों को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दर्द छलक रहा था वो कह रहे थे कि जब मेरे बारे में बापू बेटे की बात करते हैं परिवारवाद की बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात और बोली दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जब बात होती है तो चलो कोई बात नहीं लेकिन उन लोगों के परिवारवाद देखें जिन्होंने कहीं कोई संघर्ष कोई त्याग कोई कुर्बानी कोई बलिदान कुछ नहीं किया और इसके बावजूद उनके परिवार बड़े पदों पर बैठे हुए हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि राजनीति के अंदर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं राजनीति के अंदर वो सब कही जाती है बातें जो ना कहने वाली भी हों और क्योंकि हरियाणा की जो जनता है खासकर जो हम किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के ना विपक्ष करते हैं ना विरोध करते हैं मैंने आपसे कई बार बताया कि राजनेताओं के बारे में जो आपकी राय है जो आपकी धारणा है यानी कि हमारे दर्शक जो सोचते हैं और जो वो समझते हैं महसूस करते हैं हम भी उसी बात को समझते सोचते महसूस करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये वाली बात जो उन्होंने कहा कि खाली पिता पुत्र की जोड़ी कह देने से बात नहीं बनेगी उनके परिवार के उनके जो जो चौधरी माथू चौधरी रणवीर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे दीपेंद्र हुडा इनके परिवार का जो राजनीतिक संघर्ष है जो सामाजिक संघर्ष है और सामाजिक ताने बाने में इनका जो योगदान है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता उसको भी कहीं आप साइड नहीं कर सकते और इसी लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं और उन सभी लोगों को चाहे वो मीडिया के लोग हैं चाहे वो ख़बर नवीस हैं और चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको आईना दिखाने का प्रयास किया कि खाली बापू बेटे का मुझ पर आरोप लगाने से पहले हमारे परिवार का यानी कि हुड्डा परिवार का भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता दादा चौधरी रणबीर सिंह और चौधरी माथुराम उनकी राजनीतिक और सामाजिक जो हैसियत थी जो शख्सियत थी उसको भी देखा जाना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विधानसभा के अंदर कहा दोस्तों आप उससे कितने सहमत हैं आप उस बात से आपको क्या लगता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज भले ही हरियाणा की राजनीति के अंदर सत्ता ना मिलने के कारण तो कांग्रेस की सरकार ना आने के कारण भले ही वो राजनीति के एक निचले पायदान पर चले गए हैं लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह और चौधरी माथुराम का देश की आज़ादी में देश की जंगे आज़ादी की लड़ाई में देश की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में क्या योगदान है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा केवल परिवारवाद के कारण आगे हैं और या फिर उनके बीच जो संघर्ष का मादा रहा उसकी भी एक बड़ी वजह है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना